मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में बारिश और 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो वहीं गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू चलने की संभावना है। बता दें कि देश के कुछ राज्यों का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा तापमान 44.5 डिग्री आंध्र प्रदेश के नंदयाल में रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे नंबर पर आंध्र का ही अनंतपुर रहा, जहां शनिवार को तापमान 44.4 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में आने वाले 4 दिन यानी 10 अप्रैल तक ओले बारिश का दौर रहेगा। यहां आंधी चलने की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 10 अप्रैल को सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा समेत पूरे प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं ओले आंधी का दौर जारी रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में अचानक आए इस बदलाव का कारण चक्रवाती हवाओं में आई ज्यादा एक्टिविटी और उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया गया है। वहीं आने वाले 1-2 दिन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और मजबूत होगा, जिससे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में नमी का फ्लो बना रहेगा। 10 अप्रैल को यह सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस दिन पूरे प्रदेश में बारिश, ओले और आंधी का असर देखने को मिलेगा।